इस कार का जो एसी है वो बहुत अच्छा है, केबिन छोटा है। आप जब भी एक गाड़ी देखो सबसे पहले चेक कर लो कि पेंट वेंट एकदम आइडल पे इसकी आवाज सुनते हो, देख लेना। सेकंड थिंग, ऑल्टो क्यों बनी? ऑल्टो इसलिए बनी कि भाई सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुजुकी की चाबी है और गाड़ी भी हमारे पास सुजुकी की है। गाड़ी कौन सी आप लोग देख लो, तो गाड़ी ये हमारे पास है एल्टो एलेक्स है। ये 12 साल पुरानी है, 2009 का ये वेरिएंट है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई अगर आपको सेकंड हैंड मार्केट में ऑल्टो लेनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना चाहिए। और सबसे अच्छी मैं आपको बात बता दूँ कि गाड़ी बहुत कम चली हुई है, अभी मैं उसका मीटर दिखा दूंगा, ऑडोमीटर कितना चली हुई है गाड़ी। बाकी बहुत ही स्टैंडर्ड कार है, 2009 के हिसाब से इसमें वही वही चीज़ें आती थी जो एक गाड़ी में ज़रूरी होती थी। बहुत ज़्यादा धूप है तो आप देख लो, थोड़ा सा स्क्रैच खाई है गाड़ी। बट ओवरऑल इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑल्टो एलेक्साई अगर आपको चूज़ करना है तो वो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले क्विक वॉक अराउंड कर लेता हूँ मैं, इस गाड़ी को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये इसका जो है बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट था। यहाँ आपको इनकी हेडलाइट मिल जाती है जिसमें आपको हर चीज़ हेलोजन मिलता है, ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे फॉग लैंप सेटअप, तो उसमें फॉग लैंप आता ही था। ये देख लो ग्रिल में आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है गाड़ी का, मतलब लड़ने पड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। सेकेंड थिंग ये हो गई। दूसरी बात, आप जब भी एक गाड़ी देखो सबसे पहले ये चेक कर लो कि पेंट वेंट से रस्ट वस्ट ना खा रहा हो। तो इस गाड़ी का पेंट वेंट कहीं से रस्ट वस्ट नहीं खा रहा है, मैंने पूरी गाड़ी मतलब चेक कर लिया, सही मेरे रिलेटिव में ही गाड़ी है ये। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टायर साइज की। टायर हम लोग को यहाँ अपोलो का मिल जाता है, वैसे ये बहुत चेंज टायर है ये। और इसका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपको मिलती है 145 ATR 12। 12 इंच के व्हील हैं, स्टैंडर्ड यही आते थे पहले, 800 में भी आपको यही देखने को मिलता था। उसका साइड से आप देख लो, ये बीडिंग वीडिंग पहले नहीं आती थी भाई, अब मतलब एक्स्ट्रा लगवाई गई है, पहले नहीं आती थी। ये डोर गार्ड आपको जो दिख रहा है वो भी जो है एक्सटर्नली फिट करवाया गया है। ऊपर से कंडीशन इस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, थोड़ा मोड़ा स्क्रैच है वो बहुत बड़ी बात नहीं, कहीं बन जाएगा। पीछे आते हैं, रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं, कुछ नहीं है वो, आपको चाबी से ही डिग्गी खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल्टो एलेक्साई की बैचिंग, मारुति सुजुकी की बैचिंग, ये तब की गाड़ी जब मारुति सुजुकी में मतलब सिर्फ मतलब कन्वर्ट हो रहा था, जो उसका लोगो था पहले एम वाई लोगो साथ आती थी। पीछे की अगर टेल लैंप्स की बात करते हैं तो सब हैलोजन है, नीचे उसमें पानी तक भर गया है जो रिवर्स पार्किंग लाइट होती है। एग्जॉस्ट अगर बात करते हैं तो बहुत छोटा सा आता है, बट इसकी एक आवाज़ जो है, अभी फिलहाल मैंने इसे चेंज करा लिया है, थोड़ा सा काम था इसमें। तो यही था कुछ इसका मतलब प्रोफाइल, बाकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा बात करने को है नहीं। उधर आपको एंटीना आता है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये आपको इसका एंटीना आ जाता है, जो शार्क फिन और वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल कन्वेंशनल है, आपको खुद से निकालना पड़ता था। बाकी ये सब तो गाड़ी की बात हो जाती है। ORV इसमें एक ही आता है, ये एक इसका स्पेशल फीचर आप कह लो, जो भी कह लो, जो मन है वो कह लो। तो खैर ये था इसका पूरा आउट की प्रोफाइल। बूट्स खोल के दिखा देता हूँ कि स्पेस कितना मिलता है आपको। तो बूट जाम सा हो गया है, बट हाइड्रोलिक स्टड्स अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक ही ठाक स्पेस है। आप देखो, बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे को मालूम है नहीं इसकी, तो आप देख लो बूट स्पेस मिल जाती। और बंद करने में थोड़ी जान लगानी पड़ती है क्योंकि पुराना हो गया है, तो जान आपको लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ था गाड़ी का बाहर का प्रोफाइल। सबसे बड़ी बात कर लेते हैं इंजन की। इसमें 800 सीसी का इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 46 BHP, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। टॉर्क आउटपुट भी बहुत कम ये बनाता है, मैं वही मेंशन कर दूंगा। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में बहुत ज्यादा बेसिक इंटीरियर, अगर आप देखो ये जो आपको सीट कवर्स आते हैं ये आफ्टर मार्केट है, ये शोरूम से हमको नहीं मिला था। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके जो पूरा इंटीरियर का थीम है, तो भाई एकदम बेसिक है ये, आपको लग जाए कि मतलब पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। गियर नॉब की बात करें तो नौची गियर नॉब है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ। मैं ड्राइव जब कवर करूँगा आपको भी 5 मिनट के अंदर आपको सब मालूम पड़ जाएगा गाड़ी के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। गाड़ी के अंदर आते ही सबसे पहले आपको स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं मिलता, और ये 2-स्पोक या सिंगल स्पोक कह लो भाई, इसमें स्पोक ही नहीं है कुछ, 2-स्पोक कह सकते हो आप। कन्वेंशनल पुराने से मर्सिडीज की स्टीयरिंग आता था, वैसे स्टीयरिंग का कॉपी है ये, जो भी कह लो आप। उसके बाद करते हैं एसी वेंट्स का, यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो आप ये देखो, ये गाड़ी मात्र 26,000 किलोमीटर चली है भैया, 26,000 किलोमीटर 12 साल में। ये कोई मीटर बैक की गाड़ी नहीं भाई, खड़ी रहती है ये, कोई काम नहीं होता।
सिर्फ स्पीडोमीटर आता है, बगल में फ्यूल गेज आता है और थोड़ा सा बैटरी का आपको गेज मिल जाता है, टैकोमीटर मिसिंग है। इधर आते हैं पुराने टाइप का एसी वेंट, कोई भी नई चीज तकनीक नहीं, ये आफ्टर मार्केट है। और यहाँ पे आपको हजार लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअल एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, ग्लव बॉक्स यहाँ छोटा सा मिल जाता है देख लो भरा हुआ ये भी। उसके बाद यहाँ की बात कर लेते हैं, अगर तो थोड़ा मोड़ा स्टोरेज स्पेस है। क्वालिटी की बात करें तो भाई मारुति है, चाहे आज हो चाहे 15 साल पहले का हो, मारुति है। ये IRVM आता है, ये डिमिंग नहीं है भैया, अपने हिसाब से सेट कर लो वैसा वाला है। मैं सेट कर लेता हूँ अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। बाकी ओवरऑल सीट की कंफर्ट की बात करें तो भैया सब लैग कर रहा है, सब लैग करता है, कुछ ज्यादा बात करने लायक नहीं है। पेडल्स आप देख लो, पेडल कन्वेंशनल है, कोई नया नहीं है। तो ये सब तो रही गाड़ी के अंदर की और बाहर की बात, अब चल के बताता हूँ आपको कि परफॉर्मेंस वाइज भैया क्या प्रोडक्ट है और कैसा ये परफॉर्म कर रही रोड्स पे। सो लेट्स गेट गोइंग राइट अवे। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कार का जो एसी है वो बहुत अच्छा है, केबिन छोटा है तो बहुत अच्छे से क्लीन करता है, सॉरी कूल करता है। उसके बाद अभी तो एसी बंद कर देते हैं, उसके बाद अगर आप एकदम आइडल पे इसकी आवाज़ सुनते हो तो हाँ इंजन नॉइज आती है अंदर से, कोई नो डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं ड्राइव इसको करता हूँ तो क्या एक्सपीरियंस लेता हूँ इस गाड़ी का। तो गाइस अब मैं शेयर करूंगा कि जब मैंने ये गाड़ी चलाई, काफ़ी चलाई है मैंने ये कार, तो आपको एकदम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि अगर सेकंड हैंड में आप ऑल्टो प्रेफर करते हो क्या क्या चीज़ आपको देनी चाहिए। सबसे पहले आप देख लो कि किलोमीटर कितनी चली है, और आप डीलर से कभी गाड़ी, मतलब आप कभी अपने किसी रिश्तेदार से या नोन पर्सन से लो। खैर आप ड्राइव पर आते हैं तो पहली गल लगाते हैं गियर बॉक्स, भाई नौची है देख लो आप, क्लिक्स हैं, मालूम पड़ता है कि पुराना हो चुका है। तो छोड़ के देखते हैं आउटपुट क्या है, फर्स्ट गियर पे थोड़ा रेव करके देखते हैं। 42 या 43 की स्पीड पे फर्स्ट गियर खत्म हो गया इसका, मतलब इंजन नॉइज काफी आ रही है देखो आप लोग। सेकंड गियर पे 80, थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है तो देख लेना पड़ेगा, आगे चलते हैं। खैर परफॉर्मेंस गाड़ी निकाल ली है, 3 सिलेंडर इंजन है, 800 cc का इंजन है, रेफ ज़्यादा करता है वो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट आप देख लो गायब है इसके में, मनूवरेबिलिटी में आसान है, गाड़ी कॉम्पैक्ट फील होती है, आपको छोटा है यार, मतलब कोई बहुत बड़ा गाड़ी नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है स्टेयरिंग का फीडबैक, यार कोई फीडबैक नहीं है यार, मतलब आपको कुछ मालूम नहीं है। देखो ये देख रहे हो आप, कहीं गाड़ी मूव ही नहीं करती यार, मतलब जैसे वीडियो गेम का स्टेयरिंग नहीं होता एकदम सेम वैसा स्टेयरिंग है ये। और टाइट ट्रैफिक्स में ज़्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि बहुत छोटी गाड़ी है, हाँ थोड़ा सा एक्सेलरेट करके आपको उठाना पड़ता है, ये आप देख लो। उसके बाद गड्ढे वड्ढे मतलब उतने फील नहीं होते क्योंकि बहुत कम चली है। और ब्रेक के रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ये भैया को जाने दीजिए तो हम ब्रेक आउटपुट चेक कराता हूँ आपको इस गाड़ी का। ब्रेक का आउटपुट आप देखो, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा है ब्रेक ठीक है गाड़ी का, कोई ऐसा मेरे को शिकायत तो नहीं है, बाकी आप लोग जज कर सकते हो। पिकअप गाड़ी में यार अभी भी अगर ये है कि अगर एसी ऑन करके, मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ इस कार का, एसी ऑन करता हूँ ठीक है। पहले आपको बिना एसी का पिकअप तो आपने देखा पीछे ठीक है, आप एसी ऑन करके पिकअप देखना, डल हो गया पिकअप थोड़ा। और सेकंड गियर से गाड़ी उठाने पे ऐसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, बन वन का इतना मतलब थोड़ा सा चलाना अगर आपको आता हो तो बन वन का कोई इशू नहीं है। हाँ ये है कि भाई थोड़ा सा देख दाख के चलाओ क्योंकि स्टीयरिंग यार आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा अगर आप कोई गाड़ी नहीं चलाए हो, पहली बार से चला रहे हो, थोड़ा एक बार देख लेना। सेकेंड थिंग ऑल्टो क्यों बनी, ऑल्टो इसलिए बनी कि भाई हर कोई फोर व्हीलर का स्वाद ले सके, उस टाइम नैनो नहीं आती थी भाई, तो हर किसी के लिए एक ये कार थी। आज भी ये बहुत ज़्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में। उसके बाद अगर आप अपने लिए चूज़ करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि इन सब गाड़ियों का मतलब कितने प्राइस पे लें, तो आप अंडर 1 लाख इसको उठाने की कोशिश करो, 80,000-70,000 उठाने की कोशिश करो। ऐसी मतलब कंडीशन में गाड़ी अगर आपको उस प्राइस से मिल जाती तो आपकी मतलब वाह जी वाह वाली बात हो जाएगी आपके लिए।
सेकेंड थिंग, आपको CNG में भी आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई सच दिक्कत नहीं होगी आपको। बाकी ब्रेक्स तो इसका आउटपुट ठीक है, टॉर्क बैंड ठीक ही है, मतलब कोई सच ऐसा ही लगता है कि पावर कम लग रहा है। आपको ए टू बी पॉइंट जाना हो, आप बहुत बड़े एंथुजियास्ट नहीं हो, तो आपके लिए काफ़ी सही। सेकंड बात करते हैं माइलेज फिगर्स की। ये गाड़ी आराम से हाईवे पे आपको 18 का एवरेज निकाल देगी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रैश चला सकते हो, 16-17 आराम से गाड़ी निकालती है, 18-19 बहुत आराम से निकाल सकते हो अगर 70-80 पे क्रूज़ करते हो। टॉप स्पीड और स्पीड की बात मैं नहीं करूँगा आपसे इस गाड़ी के लिए। सेकेंड थिंग, जिनको मॉड्स बहुत पसंद है, जिनको अपनी गाड़ी राइसिंग करना बहुत पसंद है, उनके लिए बहुत परफेक्ट गाड़ी है। आप बिल्कुल आराम से इस गाड़ी को अंडर 50,000 खरीद सकते हो। इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगी, बट हाँ आपका मतलब पूरा आपका टेस्ट फुल करने के लिए ये गाड़ी मोर देन इनफ है। उसके बाद आप देखो गियर थोड़ा सा नौची है, उतना भी स्मूथ नहीं है, यहाँ से हम लोग मोड़ लेते हैं थोड़ा। हाँ टर्निंग रेडियस दिखा देता हूँ आपको इस गाड़ी का, थोड़ा खाली हो पैच, एक अंकल और आ रहे हैं। टर्निंग रेडियस आप देख लो, छोटा है, काफ़ी छोटा है, आराम से गाड़ी मोड़ गई, कोई दिक्कत नहीं आई। ये है कि 40-45 पे पहला रेव रेंज इतना टच कर रहा है गाड़ी। इतना रैश कोई मत चलाओ भाई गाड़ी, मैं इसलिए चला रहा हूँ कि थोड़ा खाली वाली है, आप लोग से गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं है, बट तेज़ मत चलाया करो। तो ओवरऑल यही था ऑल्टो का एक्सपीरियंस कि अगर आपको एक सेकेंड हैंड मार्केट में ऑल्टो चूज़ करनी हो, फर्स्ट हैंड भी आप खरीद सकते हो अगर आपको नई वाली लेनी है, बट वो थोड़ी महंगी है, 5-5 लाख तक में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ अब आ गई हैं। तो ओवरऑल अगर किसी को फर्स्ट कार लेना हो तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये। उसके बाद एसी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एसी चलाते ही मतलब तुरंत से केबिन ठंडा होने लगता है। लेकिन ये है कि पिकअप में गिरावट आता है, शायद से जो इसका 1 लीटर वाला इंजन है उसमें गिरावट ना हो, बट इसमें तो आपको होती है। फिलहाल यही थी ऑल्टो की कुछ बात। वीडियो अगर हल्की अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और सब्सक्राइब करना भाई क्या बताएं, आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, यहाँ पे कोई हो नहीं रहा है। इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरी आईडी मिल जाएगी आगे, तो DM कर दो और फॉलो भी कर लो भाई, फॉलो आप करो तो मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करूँ। मैं वहाँ पे रील्स बनाता हूँ कार से रिलेटेड, सिर्फ कार से रिलेटेड ही बनाता हूँ, बकवास नहीं करता हूँ। तो फिलहाल इतना इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।